वैसे तुम कुछ भी पहन लो, मुझसे ज्यादा अच्छे नहीं लगोगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आवाम की राय के साथ मैं हूँ आपका मेजबान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मियां मोहम्मद उस्मान साहब के साथ, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जीवे चौधरी को ट्रांसपोर्ट के, और इनसे मिलते हैं। सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि इस वक्त जो मुल्क की मौशी हालत हुई हुई है उसके बारे में ये क्या कहते हैं, क्या आने वाले इलेक्शन जो है क्या हमारी मुल्क की मौशी हालत को बेहतर की तरफ ले जाएंगे। इसके हवाले से खासतौर पर ये नून लीग के सपोर्टर्स हैं, मियां साहब की आमद है, मियां साहब को लोग वजीर आजम देखना चाहते हैं, उस हवाले से बात करते हैं। और खास तौर पे जो है ना, ये जो टैक्स पे कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान को, क्या उसके अगेंस्ट ये हुकूमत पाकिस्तान इनको सहूलियात भी कोई प्रोवाइड कर रही है इस हवाले से, और बहुत सारी बातें हैं जो कि इनसे हम लोग शेयर करते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मियां मोहम्मद उस्मान साहब के साथ। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं सर? ठीक है सर। सर सबसे पहले बात आपसे करता जाऊं कि इस वक्त जो हमारे मुल्क की मौसी हालत हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे, और साथ इसके बाद क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन होने को जा रहे हैं, उस हवाले से क्या हमारे मुल्क में अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या हमारी आने वाली मुल्क जो भी वजीर आजम बनता है तो क्या इस हमारे बुरान को निकाल पाएगा? जी बिल्कुल, मियां मोहम्मद नवाज़ साहब हमारे गाइड हैं और वो इस मुल्क के लिए बेहतरी के लिए अपना आप छोड़ के सारा कुछ वापस आए फिर, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले टेक्सटाइल जो आने वाली है उसके अंदर जो भी मामला होंगे, जो भी अभी बहरान ज़्यादा है टेक्सटाइल, अभी जो बहरान है वो पिछली हुकूमत गुजरी है उसकी वजह से, अभी अल्लाह खैर करे मोहम्मद मियां नवाज़ साहब आते हैं तो मामला बेहतर होंगे, टेक्सटाइल भी बेहतर जाएगी, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी टेक्सटाइल और हमारा ज़रात जो कि 60% हमारी टेक्सटाइल है और 40% हमारी ज़रात है, जब ये मामला हमारे मुल्क के बेहतर हो जाएंगे तो हमारी मौशियत हर चीज़ बेहतर होगी, और हम लोग बिल्कुल मोहम्मद आशरफ साहब के साथ साथ खड़े हैं, और हम लोग पूरा ऐसा करते हैं कि हमको वोट डालेंगे तो उन्हीं के चुने हुए बंदों को हम लोग अपना नुमाइंदा मुंतखब करेंगे। और एक दूसरी बात अपना टैक्सेस के हवाले से, जो हमें टैक्सेस आ रहे हैं सारे मामला है ये हमारे और डॉलर की जो उनकी उड़ान बनी हुई है इसकी वजह से इंशाल्लाह मोहम्मद वाशी साहब आए हैं, सब मामला बेहतर होंगे, डॉलर की जो उड़ान है वो भी नीचे आएगी और मुल्क की लाभ भी बेहतर होंगे इंशाल्लाह। दिन प्रतिदिन बिजली की जो कीमतें हैं आसमानों को छू रही हैं, और हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो जाता है, इसके हवाले से क्योंकि निगरान इस वक्त सेटअप है, गवर्नमेंट केयर है, टेकर है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा निगरान सेटअप जो है हमारे मुल्क में बेहतर चल रहा है, क्योंकि वो भी कुछ पेट्रोल की इस्तेमाल में कमी आई है उसको तो भी लेके आए हैं, अभी मियां मोहम्मद नवाज़ साहब आएंगे इंशाल्लाह वो भी बेहतरी की तरफ लाएंगे सारे मामला को, और हम लोग ये समझते हैं कि उनके आने से हमारी टेक्सटाइल, हमारी ज़रात, हमारी हर चीज़ बेहतर होगी और मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा एक बात फिर, क्योंकि पिछले 2-3 जो मियां साहब की कोपते रही है उसमें बिजनेस अच्छा रहा है, डेवलप रहा है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में नवाज़ शरीफ साहब हमारे पास आएंगे तो वो बिजनेस की डेवलपमेंट हर चीज़ बेहतर होगी और मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा, और हम लोग भी कायल हैं इस बात के लिए हम नवाज़ शरीफ साहब आएंगे और मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं 8 फरवरी को इलेक्शन होने को है, कई लोग कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, उस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन भरपूर तरीके से होने चाहिए, और हम इस बात के कायल हैं कि इलेक्शन गवर्नमेंट को एक सेकंड भी वेट नहीं करना चाहिए, इलेक्शनों के लिए इलेक्शन करवाने चाहिए, खासतौर पर इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन को एक मिनट भी वेट नहीं करना चाहिए, इनको चाहिए कि 8 फरवरी को एग्जैक्ट इलेक्शन होने चाहिए हर हाल में जो भी है, क्योंकि मुल्क एक जगह पे स्टेबल हो, किसी एक पार्टी के हाथ में एस्टेब्लिशमेंट आए, हाथी रहे, क्लियर हो तो हम लोग उसको चला सकें,
हमारा मुल्क कुछ दिनों से दहशतगर्दी का शिकार है, खासतौर पर आपने ईरान और पाकिस्तान का वाकया देखा, क्या कहेंगे इस वक्त? मैं तो सर यही कहना चाहूँगा कि ईरान और पाकिस्तान का जो वाकया हुआ है उसके अंदर अपना साल से चीन में आया, उसके अंदर उन्होंने अपना सारे मामला हल करवाया, हमारी दोस्ती बरकरार है, हमारा पाकिस्तान एक पुरसकून और पुरअमन मुल्क है और हम उस मुल्क के रहायशी हैं और हम उन मामला में अपने मुल्क के साथ हैं और हम लोग कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारी कभी किसी से कोई दुश्मनी हो। लास्ट पे अपना आने वाले वजीर आजम को क्या मैसेज कन्वे करेंगे ताकि हम अपनी हालात को सही कीमत में ले जा सकें? हम अपने मियां कायद मोहम्मद खैर वासी साहब को ये पैगाम देना चाहेंगे कि वो आए और आगे मुल्क की हालात बेहतर करें। हम बिजनेसमैन कम्युनिटी हैं, हम ये सब हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे और इंशाल्लाह हम बहुत ही अपना PMLN मुस्लिम लीग लोन को लोन देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये थे मियां मोहम्मद उस्मान साहब जो कि अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे और खासतौर पर वाजिया तरीन मैसेज है मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, जो मुल्क का वजीर आजम देखना चाहते हैं और आने वाले जो वक्त में अगर मियां साहब को वजीर आजम बता दिया गया मैं ऐसा बन गए तो इंशाल्लाह ताला मुल्क तरक्की की तरफ गामसन होगा और बड़ी उम्मीदें लेके नून लीग वाले बैठे हैं कि हमारे जो मुल्क के हालात है, जिस तरह पिछले 3 दिनों में मियां साहब ने बड़ा अच्छा वर्कआउट किया बिजनेस कम्युनिटी के लिहाज से, हमारे मुल्क के लिहाज से मोटरवेज का जाल बिछाया, आज हम 10-10 घंटों में पहुंचे थे पिंडी इस्लामाबाद और आज हम 4 घंटों में पहुंच रहे हैं। इस हवाले से अगर यही मियां साहब ने काम करते रहे बल्कि इससे भी बेहतरी का काम करने की जरूरत है ताकि जो है ना हमारा मुल्क एक तरक्की की तरफ गामसन हो और अल्लाह पाक मियां साहब को वजीर आजम बनाए, हमारी दुआएं इनके साथ हैं और उनके साथ साथ अल्लाह पाक उनको तौफीक दे के वो मुल्क के लिए जो है ना वो काम करे। कैमरा मैन मियां शराफत के साथ डॉक्टर नवीद, 72 न्यूज़।